मैं हूँ स्नेहा एंड आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लैमर विद स्नेहा में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेकअप कैसे करें, एंड जिन लोगों को मेकअप बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है एंड वो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उन लोगों को मेकअप पूरे अच्छे से आने लगेगी गाइज। एंड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा मैंने इजी वे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एंड बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है ना कि फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा बहुत केकी सा लगने लगता है एंड फटाफटा सा लगने लगता है, तो हमारे चेहरे मतलब केकी सा ना लगे, फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो हमें क्या करनी चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गाइस। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के मन में बातें चलती होगी कि फाउंडेशन लगाने से पहले हमें क्या यूज करनी चाहिए, तो बहुत लोग जो है वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि सीरम लगानी चाहिए, फाउंडेशन लगानी चाहिए या मॉइस्चराइजर लगानी चाहिए या जो प्राइमर है वो कब लगानी चाहिए। तो गाइस आज मैं सब आप लोगों को बताने वाली हूँ फाउंडेशन कब लगाएं, सीरम कब लगाएं, मॉइस्चराइजर कब लगाएं एंड प्राइमर कब लगाएं। तो गाइस अगर आप मेरी वीडियो को ये देखते हैं तो आप लोगों को पूरे अच्छे से मालूम चलेगा स्टेप बाय स्टेप कि हाँ हमें कैसे कैसे यूज करनी चाहिए। एंड गाइस आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखना, वरना आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की आप लोगों को इजी वे एकदम सिंपल मेथड से आप लोगों को बताने का। और मैं आप लोगों को पर्सनली एक बात अपना बताती हूँ कि जब मैं फाउंडेशन लगाती थी ना पहले, एंड बहुत ही ज्यादा केकी सा मेरा फेस दिखने लगता था, इधर फटा उधर फटा, मतलब अजीब सा लगने लगता था। एंड आई नो कि जिन लोगों को फाउंडेशन अच्छे से लगाने नहीं आती है ना, तो उन लोगों के लिए बेकार लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि पहले मुझे फाउंडेशन लगाने नहीं आती थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगता था कि नहीं ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है इसलिए। और मैं आप लोगों को ऑनेस्ट एक बात बताऊँ कि मैं शादी में जाती थी या पार्टी मतलब कहीं भी जाती थी ना, मैं डे क्रीम लगाती थी। बट गाइज जब से मैं फाउंडेशन मतलब ट्राई की हूँ, क्योंकि आप बिना ट्राई किए आपको फाउंडेशन लगाने नहीं आएगी, ठीक है, तो जब से मैं ट्राई की हूँ ना तो मुझे फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लगाने आ गई है। इसलिए मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आप लोग ऐसे फाउंडेशन लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगी एंड आप लोगों को भी फाउंडेशन से प्यार हो जाएगा। एंड एक और चीज गाइस कि बहुत लोग जो है कंटूरिंग करने लगते हैं, हाइलाइटर वगैरह एंड कंसीलर वगैरह मतलब बहुत हैवी सा बेस अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, जिसके कारण वो ओरिजिनल नहीं लगता है, लगता है कि मतलब आप मतलब देखने से पता चल जाएगा कि यस आप कोई हैवी सा बेस अपने चेहरे पे लगाए हुए हो। बट गाइस आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक है एंड आप मतलब ऐसा लगेगा देखने से कि यस आपका नेचुरल वो ग्लो है एंड नेचुरल लुक है, तो ऐसे ही मेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो कंटूरिंग एंड हाइलाइटर वगैरह एंड होता है ना, ये सब कैमरे पे अच्छा लगता है गाइस, रियल लाइफ में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में ना देखने से पता चल जाएगा कि यस आपने बहुत ही ज्यादा हैवी सा मेकअप बेस थोपा हुआ है अपने चेहरे पे, तो जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा एंड मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है उतना हैवी सा। आप नॉर्मली एक फाउंडेशन, एक जो भी मैंने आप लोगों को बताया है इस वीडियो में, आप वो लगाते हो एंड नॉर्मल से आप लिपस्टिक लगा लेते हो, आईलाइनर लगा लेते हो, आपको आपका जो चेहरा है वो खिल उठेगा गाइस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। एंड चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग पूरा फुल वीडियो देखना एंड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। एंड बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, मैंने कंसीलर, हाइलाइटर, कंटूरिंग वगैरह यूज किया हुआ है एंड कंटूरिंग तो मैं यूज करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पतली हूँ एंड मेरा फेस है वो पतला है, तो मैं कंटूरिंग नहीं करती हूँ। बट गाइस कंटूरिंग नहीं भी करो ना तो अच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा जो मोटी जो फेस वाली जो लड़कियां होती है ना वो यूज करेंगी ना थोड़ी सी, तो उनकी में अच्छा लगेगा। बट जो पतली सी जो लड़कियां रहती है ना, जो पतली पतली जो मतलब उनका फेस भी जो पतला रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा वो करते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखो कि इसमें क्या क्या मैंने यूज किया एंड बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्ट में मैंने आप लोगों को इजी वे में सिखाया है, बताया है आप लोगों को कि आप इस तरीके का मेकअप करते हो एंड स्टेप बाय स्टेप ऐसा करते हो, तो आप लोगों को भी यकीन मानो आप लोगों को फाउंडेशन से प्यार हो जाएगा एंड फाउंडेशन लगाने आ जाएगा, क्योंकि आई नो कि बहुत सारे लोगों को फाउंडेशन नहीं लगाने आती होगी, क्योंकि आप जब लगाते हो ना तो यहाँ फटा हुआ लगता है, आई नो, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी था। चलो गाइस यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज गाइस कि मैं इस वीडियो में ना वॉइस ओवर की हूँ, क्योंकि मेरे घर के तरफ इलेक्शन काउंटिंग हो रहा है, इसी कारण मैं आप लोगों को सामने से नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शोर शराबा आवाज मतलब सुनाई दे रहा था एंड मैं ब्लूटूथ भी लगाई बट ब्लूटूथ से भी आवाज आ रही थी, इसी कारण मैंने ना वॉइस ओवर कर दिया है। बट मुझे नहीं मालूम था कि आज के दिन ही काउंटिंग हो जाएगा, वरना मैं दूसरे दिन ही वीडियो बनाती। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
एंड गाइस आप लोग ये मुझे कमेंट मत कर देना कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब एंड बोलते हो, क्योंकि आई नो कि बहुत ही सारा एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने एंड थोड़ा ज्यादा ही बोला हुआ है, तो उसमें मेरे को कमेंट आया कि आप एंड कितना ज्यादा बोलते हो। तो गाइस क्या होता है ना, कभी कभी ना आपको एक वर्ड का ना आदत हो जाता है, तो वैसे ही जस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे को ना एंड बोलने का ना आदत हो गया है। बट कोई नहीं, वो आपकी आदत है तो चीजें जल्दी सुधर नहीं सकती है ना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आप लोगों को बतानी जरूरी थी, वरना आप लोग कमेंट करने लगे एंड ज्यादा बोलती है। एंड ज्यादा नहीं बोलती हूँ गाइस, बस मुझे आदत हो गई है। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, तो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है। तो कोई सा भी आप मेकअप करने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे चेहरे को अच्छे से क्लीन करना, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत अच्छे सा एक फेस वाश। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने चेहरे को क्लीन करके बैठी हूँ एंड मैं यहाँ पे टोनर ले रही हूँ, ये ग्रीन टी का टोनर। गाइज़ आप चाहो तो गुलाब जल भी ले सकते हो, पर टोनर लगाना मतलब हमारे चेहरे के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हो, बट मैं तो बोलूँगी कि आप गुलाब जल भी हो तो उसको भी ज़रूर लगाओ, लेकिन लगाओ। मुझे अभी थोड़ा जुकाम हो गई है गाइस, तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइज़र। तो गाइस मैं आपको एक और मॉइस्चराइज़र दिखला रही हूँ, वो है सिया बटर का। तो अभी विंटर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंटर चल रहा है, तो विंटर में क्या होता है, ड्राई स्किन वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ड्राई स्किन वाले का स्किन तो बहुत ही ज़्यादा रुखा सा होता ही है एंड विंटर में तो और हो जाता है। तो जिसके लिए चाहिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। तो इसलिए गाइस जिनकी भी ड्राई स्किन है, आप सिया बटर, जॉबिस का सिया बटर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड न्यूट्रीडम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट न्यूट्रीडम अगर कोई मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सिया बटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे ना वीडियो फास्ट नहीं की हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ और कैसे कैसे कर रही हूँ, इस कारण मैंने यहाँ पे फास्ट नहीं किया है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर ले रही हूँ, और आपको मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छे से लगाना है गाइस, नेक पे स्किन में, मतलब आपको बहुत ही अच्छे से उसको मिला लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे फाउंडेशन लगा रहे हो, आपको फाउंडेशन आपके चेहरे में साइड इफ़ेक्ट नहीं करें, कुछ मीन्स कुछ मतलब नुकसान नहीं पहुँचाए फाउंडेशन, उसके लिए आप अच्छे से पहले तो मॉइस्चराइज़र लगा लो एंड उसके बाद प्राइमर लगा लो। प्राइमर इसलिए गाइस लगाया जाता है क्योंकि आप लोग तो सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आप बता दूं कि जैसे कि आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपकी स्किन में जो ओपन पोर्स होता है या रोम जो भी होता है आपके स्किन के अंदर नहीं जाएगा और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और वो आपके फाउंडेशन से जो हमारी स्किन मतलब अगर आप प्राइमर नहीं लगाते हो, प्राइमर के बिना लगाते हो, तो हमारी स्किन जो होता है ना डल सा हो जाता है, मतलब लगता है कि रंगत जो होता है ना निखार उड़ गया है, इस टाइप का लगता है। बट आप प्राइमर लगा के लगाते हो फाउंडेशन, तो उससे क्या होता है, प्राइमर हमारे चेहरे को स्किन को प्रोटेक्ट करता है फाउंडेशन से, ताकि मतलब जो भी आप लेयर लगा रहे हो प्राइमर के बाद, तो आपकी स्किन के अंदर जाने नहीं देता है। तो इसलिए आप प्राइमर तो अच्छे से लगाना, कोई सा प्राइमर लगाओ जो आपको सूट करता है, बट लगाना ज़रूर गाइस। एंड मैं यहाँ पे ना कॉन्सीलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं कर सकते हो। मेरे यहाँ पे दाग धब्बे नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को कॉन्सीलर यूज़ करनी होगी तो आप डॉट डॉट करके, जब हल्का हल्का डॉट डॉट करके आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, क्यों जैसे कि आपके कहीं कहीं दाग धब्बे होंगे तो बस वहीं ये नहीं कि पूरे स्किन में कर लेना, बस हल्का गाइस, ये नहीं कॉन्सीलर है तो बहुत उसका एक लंबा सा लाइन खींच दिया, जैसे कि आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे एक लंबा सा लाइन खींचा गया बस उसको ऐसे। तो जिन लोगों को नहीं लगाना, तो बस हल्का सा डॉट डॉट करना एंड आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको टैप टैप करना, बस आपका अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे ना मिलानी का फाउंडेशन ली हूँ, वैसे फाउंडेशन मुझे फेटमी का भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मिलानी का भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसी कारण, और जिनकी भी ड्राई स्किन है वो लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करना ज़्यादा करके, ड्राई फाउंडेशन अगर यूज़ कर सकते हो करते हो ना, तो मतलब वो आपके चेहरे पर अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगी एंड अजीब सा आपका स्किन दिखने लगेगा। तो इसलिए आप लिक्विड अगर यूज़ करते हो ना तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, वो सब जो होता है ना वो सब ऑयली स्किन के लिए होता है, बट ड्राई स्किन वाले ना मतलब आप हमेशा यूज़ करना तो लिक्विड ही यूज़ करना। एंड गाइज आपको ये देखो मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, पास आके भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए कुछ इस तरीके का मेरा फाउंडेशन मिक्स हो रहा है, और आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे बहुत ऐसे रगड़ रही हूँ अपनी स्किन को, बट ऐसा नहीं है गाइज, मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको मैं जितना भी रगड़ दूँ ना तो मेरे चेहरे में कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए, ये नहीं कि आप स्किन में सिर्फ लगा लेना, आपको नेक में लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्या होता है ना, स्किन का कलर एंड नेक का कलर
अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब सामने वालों को लग जाएगा कि यस आपने ना कुछ लगाया हुआ है अपनी स्किन पे, तो इसी कारण। और गाइज आप जब भी फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करो ना, बहुत ही ज़्यादा हल्का क्वांटिटी में लेना, ये नहीं कि एक ही बार इतना सारा ले लेना जैसे कि आप वीडियोस में देखते हो, इतना सारा ले लेना एंड उसको फिर ब्लेंडर से टैप टैप करते जाना तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है उस टाइप का। तो आप पहले ना शुरुआती ना हल्के हल्के फाउंडेशन से ही करना, और एक दो बार आप ट्राई करोगे घर में ऑफकोर्स आप लोगों को भी आ जाएगा। एंड गाइज मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट ले रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना लूज पाउडर जो होता है ना उतनी अच्छे से सेट नहीं होता है, मतलब जैसा कि मैं देखती हूँ उतने अच्छे से सेट नहीं होता है गाइस, जितना उसके मुकाबले मतलब जो कॉम्पैक्ट है ना बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में जाता है, और आपके जो भी स्किन टोन के हिसाब से हो आप वैसा कॉम्पैक्ट लेना। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट ली हूँ स्विस ब्यूटी का। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी को कॉम्पैक्ट को यूज़ करती हूँ, मैं दो तीन टाइप के कॉम्पैक्ट को यूज़ करती हूँ जो मुझे सूट कर गया। एंड मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ गाइस, तो आप बस मेरा फाइनल लुक यही है। बस मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आप अगर जब भी मेकअप करना स्टार्ट करो टोनर यूज़ करो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करो और प्राइमर यूज़ करो, और हल्का सा अगर आपके चेहरे में बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो ही कॉन्सीलर यूज़ करना, वरना आप नहीं करना, स्किप करना और फाउंडेशन लगाना अगर आप लोगों को नेचुरल ग्लो चाहिए तो गाइस। तो बस मेरा इतनी ही रहा आज का ये, तो मैं आप लोगों को जैसे बताई हूँ कि हाँ आप लोग ऐसे ऐसे करना तो आप लोगों को ड्राई पैचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। प्राइमर लगा के आप लगाते हो ना फाउंडेशन, आपको ड्राई पैचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे गाइस। बट हाँ आपको मैं बता दूँ, फिर से बता दूँ कि आप हल्का सा फाउंडेशन ही यूज़ करना जब अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो। एंड गाइस ये देखिए मैं आपको आई शैडो भी बता रही हूँ, बट आई शैडो का जो मेरा पैलेट है ना वो अच्छा नहीं है। मैं दूसरा जब ऑर्डर करूँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बार बार बोलती हूँ कि ऑर्डर करूँगी तो शेयर करूँगी, बट गाइस अभी मेरी एग्ज़ाम जो होने वाली है तो इसी कारण मैं अभी ऑर्डर कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी। तो बट मैं ऑर्डर एक दो दिन में कर दूँगी ताकि मेरे एग्ज़ाम जब ख़त्म हो तब तक वो आ जाए, क्योंकि इसका जो है ना आई शैडो का येलो कलर, ये देखिए मैं यहाँ पे येलो लगा रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड यहाँ देखिए ये मैं इस कलर का ना, इसको पता नहीं कौन से कलर बोलते हैं, बट ये मैं टॉप से मैच हो रहा था तो मैंने इसको ना बीच में बस थोड़ा थोड़ा इसको फिलअप कर लिया ताकि मेरा आई शैडो कम्प्लीट हो जाए। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं लगाई हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगाना है, बस मुझे आप लोगों को ये बतानी थी कि स्टेप बाई स्टेप आप कैसे फाउंडेशन यूज़ करते हो, उससे पहले आप क्या यूज़ करते हो तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ये नहीं लगेगा कि पैची पैची टाइप का और फटाफटा टाइप का, आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो बस गाइस यही आप नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो ना स्टेप बाय स्टेप तो आपका ऐसा आपको फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से आ जाएगा लगाने के लिए। एंड हाँ एक और चीज़ गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे सीरम कब लगाते हैं, तो गाइज आप मॉइस्चराइज़र लगाओ या सीरम लगाओ बात बराबर है, बट सीरम से अच्छा है, सीरम आप ऐसे डेली यूज़ आप लगा सकते हो, बट अगर आपको जब फाउंडेशन यूज़ करनी है ना तो उस टाइम आप मॉइस्चराइज़र ही लेना ज़्यादा करके, सीरम वहाँ पे स्किप करना। सो चलो गाइज आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे गाइस। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।